भी आपको अहम खबर से भी आगाह करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी गुलाम कादिर मर्री 24 घंटे में अपने बयान से ही मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गुलाम कादिर मर्री के माबैन इख्तलाफात की खबरें चली तो पीपल्स पार्टी रहनुमा ने अपना बयान ही तब्दील कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूदा नुमाइंदे फैज बुलेदी। फैज आगा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बताए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी गुलाम कादिर मर्री ने 24 घंटे पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त वजीर आला हाउस से सलीम बजारी चला रहे हैं और वजीर आला हाउस में तीन कुर्सियां रखी गई हैं। एक कुर्सी पर वजीर आला सिंध बैठते हैं, दूसरी कुर्सी पर सलीम बाजारी और तीसरी कुर्सी पर सिकंदर राहो कोटो बैठते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी और खासतौर पर वजीर आला सिंध को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि फरियाल तालपुर साहबा को वजीर आला सिंध बनना चाहिए चूंकि इस वक्त बहुत सारे जो तरक्याती काम है वो ताखीर का शिकार है। इस बयान के बाद मुख्तलिफ जो मुक्तदिर हल्के हैं उनमें पीपल्स पार्टी खासतौर पर वजीर आला हाउस और जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी थी और जिसका पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो अब इस मामले का पीपल्स पार्टी की जो आला कयादत है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खसूसी तौर पर इसका नोटिस लिया है और जिसके बाद अब गुलाम कादिर मर्री की जानिब से बजाय इसके कि उसकी माजरत की जाती गुलाम कादिर मर्री अपने दिए हुए बयान से ही मुकर गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज बुलेदी तफसीलात साझा करने के लिए।